हाँ तो भाई, हाल फिलहाल में नीतीश तिवारी के रामायण मूवी को लेके जो जो अपडेट्स आ रही हैं वो सब कुछ नेगेटिव वे में जा रही है। मतलब कुछ भी अपडेट अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ कुछ अपडेट सुन के ये लग रहा है कि भाई ये क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और कुछ अपडेट सुन के ऐसा लग रहा है कि भाई साहब, ये मूवी अगर पब्लिक को अच्छी लगी तो ये ऊपर जाएगी, नहीं तो बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिरेगी। ऐसा थिंकिंग आ रहा है रामायण मूवी के कुछ अपडेट को सुन के हाल फिलहाल में। और पिछले हफ्ते जो अपडेट निकल के आया था कि इसके पहले पार्ट को 100 करोड़ प्लस बजट में बनाया जाएगा, मतलब 100 मिलियन यूएस डॉलर में। अगर 100 मिलियन डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो वो लगभग बनता है 834 करोड़ से भी ज्यादा का बजट। भाई साहब, इतना बड़ा बजट भाई, वो भी इंडिया में उसके पहले पार्ट को लेके, और बोल रहे हैं कि भाई मेरे को इसके 3 पार्ट को हम रिलीज करेंगे जैसे भी करके। ये थोड़ा कुछ बिलीव नहीं लग रहा था, क्योंकि भाई नॉर्मली क्या होता है कि इतनी बड़ी बजट में अगर कोई मूवी बन रहा है तो मेकर्स पहले चाहते हैं कि इसको पहले हम पब्लिकली रिलीज करे थिएटर में, इसके रेस्पॉन्स को देखें, इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखने के बाद ही हम इसके सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के बारे में सोचेंगे। अगर ये हिट या फिर ब्लॉकबस्टर गई तो इसका सेकंड पार्ट बनेगा, और अगर ये मूवी पहली मूवी ही लॉस में चली गई, मतलब फ्लॉप हो गई, तो इसका सेकंड पार्ट कभी भी नहीं आएगा, ऐसा मेकर्स सोचते हैं। लेकिन रामायण मूवी के मेकर्स भाई 800 प्लस करोड़ का बजट लगा के इसका पहला पार्ट बना रहे हैं, और फिलहाल इसके 2 पार्ट और आएंगे भी। तो भाई सोचो मेकर्स क्या ही दिमाग लगा रहे हैं, आइदर लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हुआ तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, या फिर लॉस हुआ तो बहुत ही बुरी तरीके से ये मूवी पिटेगी भी, और प्रोड्यूसर का तो पैसा गया डूबा खत्म। सोचो तो गाइस, आज का अपडेट जो है ना भाई, इसी बजट को लेके है, इस रामायण मूवी के पार्ट्स को लेके है। और वो अपडेट ये है कि भाई फिलहाल मेकर सोच रहे हैं कि भाई रामायण मूवी का 2 ही पार्ट हम निकालेंगे, और इसके 2 पार्ट को एक ही साथ हम खत्म करेंगे। मतलब रामायण 1 का और रामायण 2 का शूटिंग एक साथ शूट किया जाएगा बिना किसी ब्रेक के। वैसे ही तो पहले पार्ट का बजट 830 करोड़ से भी ज्यादा का है, और ऊपर से मेकर्स सोच रहे हैं कि भाई उसे रिलीज ना करके उसके सेकंड पार्ट के शूटिंग को भी हम रैप अप कर देंगे। तो गाइस मेकर्स क्या ही दिमाग लगा रहे हैं भाई, इतना बड़ा बजट है आपका 830 करोड़ से भी ज्यादा, पहले आप मूवी को रिलीज तो करो, पहले देखो तो भाई ऑडियंस क्या रेस्पॉन्स दे रही है आपके पहले पार्ट को, उसके बाद आप सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट तक भी ले जाओ यार, हम देखेंगे, पहले रेस्पॉन्स तो देखो। लेकिन नहीं यार, मेकर्स सोच ही चुके हैं कि भाई इसका पूरा का पूरा शूटिंग को हम एक ही साथ रैप अप करेंगे। रामायण 1 का शूटिंग पूरा एक साथ रैप अप होगा, और रामायण 2 का भी शूटिंग एक साथ रैप अप होगा। और ये अपडेट सुनने के बाद भाई मेरा दिल ही टूट गया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये अपडेट। मेरे हिसाब से मेकर्स को पहले अपना पहला पार्ट को रिलीज करना चाहिए, ऑडियंस का रेस्पॉन्स देखना चाहिए, उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखना चाहिए, उसके बाद ही रामायण 2 के लिए प्लान करना चाहिए। शूटिंग स्टार्ट नहीं करना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि यार ऑडियंस अभी तक आदि पुरुष के सदमे से नहीं निकल पाई है। और गाइस मेकर्स अब ऊपर से बोल रहे कि हम रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2 का शूटिंग एक साथ रैप अप करेंगे, उसको एक ही साथ रिलीज करेंगे। ये तो भाई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया। अगर आपका पहला पार्ट अच्छा नहीं निकला तो अगर वो फ्लॉप में चले गए, वो उसका नेट कलेक्शन छोड़ो, उसका ग्रॉस कलेक्शन ही 300-400 करोड़ हुआ तो गया ना भाई, मूवी पूरा घाटे में, प्रोड्यूसर का पैसा भी गया, आपका इमेज भी गया, और इंडिया का इमेज भी जाएगा। बाहर के लोग, बाहर के ऑडियंस हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इंडिया के बारे में क्या सोचेंगे कि भाई हम अपने गॉडेस को लेके, अपने कल्चर को लेके, अपने हिस्ट्री को लेके एक अच्छा खासा मूवी भी डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो यार हम क्या ही बनाएंगे, क्या इज्जत रह जाएगा हमारा होल वर्ल्ड में। तो यार मेकर्स को थोड़ा सोचना चाहिए इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले। लेकिन गाइस, इतने सारे नेगेटिव अपडेट के बीच में एक बहुत ही अच्छा अपडेट जो मुझे ये लगा कि भाई मेकर्स जो सोचे कि भाई रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो शूटिंग है हम एक साथ रैप अप करेंगे, लेकिन इसको जो हम रिलीज करेंगे वो एक ही साल के अंदर हम रिलीज करेंगे। मतलब एक साल के फर्स्ट क्वार्टर में रामायण पार्ट 1 आएगी और सेकंड क्वार्टर में भाई रामायण पार्ट 2 आएगी। ये अपडेट भाई मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, कम से कम मेकर्स ने कुछ तो अच्छा अपडेट दिया, नहीं तो भाई रामायण पार्ट 1 को रिलीज करने के बाद फिर 2 साल रुको और फिर उसका सेकंड पार्ट आएगा 2030 में आएगा शायद, लग रहा है मुझे। लेकिन गाइस मेकर्स ने ये अपडेट थोड़ा देख के भाई पहले जो नेगेटिव अपडेट था उसको पॉजिटिव वे में थोड़ा ला दिए हैं। और उसमें भी सबसे बड़ा अपडेट ये है कि भाई मेकर्स जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का शूटिंग करने वाले हैं, जो कि एक ही साथ रैप अप करने वाले हैं, उसका जो टोटल डे होगा, मतलब टोटल डे का शूटिंग जो होगा वो होगा 350 डेज का, मतलब लगभग ले लो एक साल का शूटिंग होगा। रामायण पार्ट 1 का शूटिंग तो स्टार्ट हो चुका है, और ऊपर से मेकर्स अभी बोल रहे हैं कि इसके सेकंड पार्ट को भी हम शूट करेंगे, मतलब ले लो पूरे एक साल का शूटिंग। अंदाजा से ही ये मूवी अगले साल मतलब 2025 के दिसंबर के महीने में इसका शूटिंग कंप्लीट होगा, और मेरे हिसाब से ये मूवी आपको 2027 के फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में इसका सारा पार्ट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यार इतनी बड़ी मूवी है, हैवी वीएफएक्स होगा, सीजीआई होगा, साउंड होगा, लाइटनिंग होगा, बहुत सारा चीज लगेगा, ऊपर से 2 पार्ट का शूटिंग एक ही साथ होगा, तो यार दोनों पार्ट के
प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन पे, उसके एडिटिंग पे तो भाई टाइम तो चाहिए भाई, लगभग एक साल को टाइम तो आप ले ही लो। तो यार उसी हिसाब से टाइम पीरियड को देखते हुए ये मूवी आपको 2027 में ही देखने को मिलेगा, अगर इस मूवी का शूटिंग अगले साल दिसंबर तक कंप्लीट हो जाए तो ही। तो यार आप लोग का क्या ओपिनियन है भाई मेकर्स के इस डिसीजन को लेके, क्या आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, क्या मेकर्स ने जो किया वो सही किया या नहीं, वो सब कुछ आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना। तो यार मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ ईवी एक्सप्लेन में।